रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं रशियन सैलेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। मायनीज जो है वो हमें चाहिए तकरीबन 1 कप। यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम ली है, वो मैंने 1/4 कप ली है। थोड़े से बादाम लिए हैं गार्निशिंग के लिए। वाइट जो हमारा पेपर है, सफ़ेद मिर्च जो है वो हमने ली है 1/4 टीस्पून। नमक 1/4 टीस्पून। यहाँ पर मैंने एक फ्रूट कॉकटेल ले लिया था छोटे वाला, उसके फ्रूट्स निकाल लिए हैं। एक सेब छोटा करके काट लिया। यहाँ पर मटर, आलू और जो हमारी चिकन है जिसको मैंने श्रेड कर लिया है, इनको सबको प्रॉपर बॉयल करके मैंने यहाँ पर रख लिया है। ओके जी, यहाँ पर जो है मैंने एक ले लिया है बाउल। इसके अंदर मैं सारे जो मेरे पहले जो बॉयल्ड चीज़ें हैं वो मैं डाल दूंगी। उसके बाद इसमें जो मैंने फ्रूट्स आप कोई भी डाल सकते हैं। मेरे पास फ्रूट कॉकटेल और एप्पल था और मुझे पसंद भी यही है, तो मैं ये डाल रही हूँ। इसके अंदर जो है हम क्रीम डाल देंगे 1/4 कप, नमक, सफ़ेद मिर्च और इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हम मायनीज डालेंगे जो कि 1 कप का। ओके, और इसको जो है अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। बहुत ही हेल्दी सैलेड होता है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्दी और ज़बरदस्त बन जाता है और बहुत पसंद आता है, दावतों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मिक्स करने के बाद अब हम इसको गार्निश कर वो डिश आउट कर लेते हैं पहले। अब इसको हम गार्निश कर देंगे। कुछ फ्रूट्स मैंने कॉकटेल से बचा लिए थे वो हम इसमें डालेंगे और जो बादाम थे, आप बादाम के अलावा कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और डाल सकते हैं इसमें। तो हमारा मज़ेदार रशियन सैलेड रेडी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी में किसी और दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।